तो दोस्तों आज हम ट्राई करने वाले हैं नोवा ऑर्डर के पूरे PUBG मोबाइल के सेटअप को, यानी कि उनके कंट्रोल्स, सेंसिटिविटी, बाकी सारी चीजें जो भी होती है, क्योंकि दोस्तों नोवा ऑर्डर है दुनिया के PUBG के गॉड। तो दोस्तों ये है नोवा ऑर्डर के परफेक्ट कंट्रोल्स। यहाँ पे दोस्तों नोवा ऑर्डर का और मेरा डिवाइस भी सेम है और ये इनके कंट्रोल्स पूरे के पूरे एक्यूरेटली मैंने प्लेस किए हैं, यहाँ तक कि ये जॉयस्टिक प्लेसमेंट भी उनकी ही है। फिर ये है सेंसिटिविटी, ये भी डिक्टो कॉपी है, लेकिन 3x और 4x की सेंसिटिविटी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी दोस्तों पूरी की पूरी चीजें सेम है। हालांकि दोस्तों आजकल नोवा ऑर्डर अपने सेंसिटिविटी में थोड़े थोड़े चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अभी अभी 350 से 330 किया है अपना जायरो, और शायद वो आजकल छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपने सेंसिटिविटी के साथ, लेकिन दोस्तों ये सेंसिटिविटी वो है जो कॉन्स्टेंटली यूज करते आ रहे हैं आज तक। तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें हुई है मेरे साथ इस चाइनीज प्लेयर को कॉपी करके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं था एक थंब प्लेयर और मैंने शिफ्ट किया डायरेक्ट फाइव फिंगर क्लॉ पे, इसलिए इस पे मुझे खेलना हो गया बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग, इसलिए थोड़े चेंजेस तो मुझे करने ही पड़े। और वैसे भी दोस्तों अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो तो पूरी की पूरी चीजें कॉपी करना बहुत ही ज्यादा गलत बात है, जिसमें कि सबसे मेन चीज आती है जॉयस्टिक की प्लेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, जॉयस्टिक तो आपका खुद का ही होना चाहिए, और दोस्तों यह है कंट्रोल्स का थर्ड लेआउट, इसलिए आपको जॉयस्टिक की प्लेसमेंट एकदम एक्यूरेट करनी होती है, जहाँ पे आपका थंब एक्यूरेटली लैंड होता है। और दोस्तों फाइव फिंगर की जगह पे मैंने किया फोर फिंगर, और बाकी जो बटन्स थे वो भी मैंने फिंगर्स के हिसाब से रख दिए, और सेंसिटिविटी को मैंने थोड़ा भी छेड़ा नहीं, एक्सेप्ट 3x एंड 4x। वैसे दोस्तों नो ऑर्डर का रेड डॉट 280 था, लेकिन आजकल लोग खेल रहे 250 और 300 के बीच में, यानी कि कभी करते हैं 250, कभी करते हैं 280, तो कभी करते हैं 300। तो मैं पहले से 300 पे खेलते आ रहा हूँ, इसलिए 300 रखा है। अब दोस्तों सारी मेन चीजें जो है वो नो ऑर्डर की है, जैसे कि कंट्रोल्स का थर्ड लेआउट है, जॉयस्टिक 200 ही है, सेंसिटिविटी 350 ही है। और दोस्तों इस सेटिंग्स पे मैंने कुछ दिन खेला भी है, इसलिए आपको सीधा सीधा इसके एडवांटेजेस बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों थर्ड लेआउट एकदम बेस्ट है। दोस्तों यहाँ पे जॉयस्टिक की साइज 200 होने के बावजूद आपकी मूवमेंट इतनी फास्ट होगी कि आप खेलते समय पूरी समय इतना एक्टिव रहोगे कि आपको बंदे पेलने में मजा आने लगेगा। दोस्तों यहीं पे अगर थंब पे मैंने 350 जायरो ट्राई किया होता तो मेरा एम बहुत ज्यादा चोक होता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरा एम भी ठीक ठाक था। और दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज है, इस सेटिंग पे हेडशॉट बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं और आपका क्लोज रेंज भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। हालांकि दोस्तों थर्ड लेआउट होने की वजह से कभी कभी इधर उधर टच होने के बाद पूरा कैमरा हिल जाता है, लेकिन आदत लगने के बाद ये जरूरी ठीक होगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसी सेटिंग पे कंटिन्यू करूँ और थोड़ा ग्राइंड करके देखूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा है नोवा ऑर्डर का कंप्लीट सेटअप, और कुछ दिनों के बाद देखेंगे अपन क्या ग्रोथ होती है इस सेटअप पे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। To win. Killed. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Blue team victory.